from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसी है अपनी पब्लिक, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होने चाहिए, तुम्हारे भाई की दुआएं तुम्हारे साथ है और तुम्हारी अपने साथ होनी चाहिए। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है लगभग 6 बज चुके हैं, तो सुबह तो अभी मैंने जस्ट मुंह भी नहीं धोया हुआ है। तो आज मैं एक ज़बरदस्त प्रैंक करने वाला हूँ सादिक भाई के साथ, एक ज़बरदस्त वाला। जब लास्ट टाइम हम गए थे ऑफ रोडिंग के लिए, तो उन्होंने हमारा काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। दस्ती पकड़ के भी लेके जाएगा ना यहाँ पे पानी में अपनी बाइक लेके, तो मैं फिर भी नहीं लेके जाऊँगा। तो आज मैं उनके साथ करने वाला हूँ वही ज़बरदस्त वाला प्रैंक। तो मैंने उन्हें बोला है कि सुबह सुबह राइड पे निकलेंगे, कि छोटी सी राइड करके आएंगे बजालता वाली साइड से। उन्होंने बोला ठीक है, तो वो जैसे आ रहे हैं मैं उनको वहीं पर घुसाऊँगा लेके। पर अभी उनको पता नहीं है उनके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। तो फिलहाल अभी चलते हैं, निकलते हैं बजालता वाली साइड ऑफ रोडिंग वाली जगह पे जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो भाई ने हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, अगर मुझे कोई जबरदस्ती भी लेके जाए तो मैं अपने बुलेट को लेके उधर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो कोई नहीं, आज मैंने इनको बोला नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, आज इनके बुलेट की थोड़ी सी करेंगे सर्विस अच्छे से। तो आज मैं खुद लेके जाऊंगा उसे पानी में, देख रहे हो आप। तो अभी तो बड़े खुश हो रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं कहाँ जाना है। मैंने बोला कि सरप्राइज है, चलो तो सही, मैंने बताया नहीं है बिल्कुल भी। तो उस दिन भाई साहब इस बंदे ने हमारा इतना मजाक उड़ाया कोई कहने की बात नहीं है। तुम पागल हो क्या, ये हो वो बाइकों को तोड़ते हो, ये करते हो वो करते हो। तो कोई नहीं, आज बुलेट पे ऑफ रोड करके देखेंगे कैसा रहता है कैसा नहीं। सुबह सुबह पूरी मार्केट बंद है, टोटली बंद है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा जल्दी हम निकले हैं। देखो इनको ज्यादा ही खुश है, इनको क्या पता है इनके साथ आके क्या होने वाला क्या नहीं। ये कुछ इस टाइप की लोकेशन है, ये रही अपनी ऑफ रोड वाली लोकेशन, देख रहे हो सामने। जबरदस्त है। लास्ट टाइम यहाँ पे इतना मजा आया था ना, मतलब हद से ज्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम बाइकें बहुत थी अपने पास, मतलब बहुत सारी बाइकें थी। क्या बोलते हो, मजा आएगा नहीं? पहले ही गेस था, पता जब मैं निकला ना राजू, तूने कहा ना तेरे लिए सरप्राइज है, तो मैं तब भी शक था। मैंने कहा मैंने वीडियो के अंदर इसी बात बोला था, मैंने कहा यार ये बंदा बोल रहा कि तेरे लिए सरप्राइज है, क्योंकि उस दिन तुम लोगों ने कॉल की थी ना मुझे, तो मैं नहीं जा पाया था। मुझे पक्का डाउट था कि आज मैं कुछ गलत ना गलत करने वाला, कोई गलत नहीं। लास्ट टाइम आप क्या बोल रहे थे कि मुझे कोई जबरदस्ती भी यहाँ पे लेके आएगा मैं नहीं जाऊँगा, क्या बोल रहे थे? अब बोलो, अब बताओ क्या किया जाए आपके साथ और आपकी बाइक के साथ। पहले ही शक था कि आप लोग ना, ये हमारी बाइकों की उस दिन इतनी बुरी हालत हुई थी, ये बाइक क्यों बच जाए। ठीक गाइस, अपने प्लान में थोड़ी चेंजिंग हो रही है, तो वो बाइकें दिख रही हैं आपको सामने। तो अपने भाई लोग कुछ अचानक से हमारी मुलाकात हुई है यहाँ पे, आज मुझे भाई पहले वाला फील हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इस साइड आए थे ना, तो लास्ट वाला ब्लॉग देखना आप अगर किसी ने देखा नहीं हो, तो उस टाइम भी इतनी बाइकें थी, फिलहाल इससे ज्यादा थी, पर आज भी बहुत सारी हैं। तो मजा आने वाला है काफी सारा, लगभग 8-10 बाइकें हम टोटल सारी, तो काफी मजा आने वाला है। तो फिलहाल सादिक भाई बच गए और इनकी बाइक भी बच गई, तो जो मैं पंगा करने वाला था ना इनके साथ वो अभी होगा नहीं। तो फिलहाल ये पानी देख रहे हो, इस पानी का कोई पता नहीं कितना गहरा है कितना नहीं, तो अगर गलती से कोई यहाँ पे गिर गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। भाई जो भी हो, जो ऑफ रोड पे मजा आता है ना, कुछ ऐसे रास्ते पे जो मजा आता है ना, वो मजा आपको कहीं नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, जितना मर्जी दूर चले जाओ, तो जब तक आपको ऐसा रोड नहीं मिलेगा ना, आपका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जो हमारे ग्रुप का जो है ये सीन है ना, वो कुछ ऐसा ही है, मतलब आपको ऑफ रोड मिला नहीं तो बाइक घुसा दी बीच में। पहली बार इस साइड से, मतलब ये वाला एरिया पहली बार कवर कर रहा हूँ, दूसरी साइड से मैं आया हूँ पहले भी बहुत बार। तो लास्ट टाइम आपने व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये एरिया वहीं पे जाके कवर होगा पूरा, देख रहे हो पूरी रेत ही रेत है। ये देखो आगे, देखो आगे, देखो तुम देख रहे हो, ये हाल है, ये हाल होगा यहाँ पे बाइकों का, ये देख रहे हो पूरी हिल रही है। फिलहाल अभी बाइकें आप देखो पीछे, सभी बाइकें लगी हुई है, काफी ज्यादा मजा है। तो मैं सुबह, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा यहाँ पे, तो मैंने ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं किया, जैसे नींद से उठा हूँ वैसे ही आया हूँ। देख रहे हो आप शक्ल, देख के आपको पता लग गया होगा कि कितनी बुरी हालत हो रही है कितनी नहीं। तो ऊपर से मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, पूरे 2 दिन हो गए लगातार मुझे
मतलब एक घंटा भी मैंने नींद नहीं की है। देखो आंखों की इतनी बुरी हालत हो गई है। तो इस टाइप की कुछ लोकेशन में पहुंचे हैं जो ज्यादा ही खतरनाक है, जबरदस्त लोकेशन है, जबरदस्त। नीचे देख रहे हो तुम, रेत ही रेत है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बाइक यहाँ पे घुसाऊँ, क्योंकि इतनी जबरदस्त जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जगह मैंने पहले भी देखी हुई थी, तो अभी फिलहाल यहाँ का प्लान बना। तो जब अपने भाई लोगों ने बाकियों ने ज्वाइन किया तो उनका प्लान यहाँ का बना हुआ था। तो मैंने तो कुछ और ही सोच के मैं घर से आया था कि आज मैं कुछ उल्टा करूँगा, प्रैंक करने की सोच रहा था, एक खतरनाक वाला। तो जो जैसे मैंने बुद्धू बना के भाई को यहाँ पे लाया था बुलेट लेके कि आओ चलते हैं एक राइड पे, अच्छी सी जबरदस्त वाली थी। पर उनकी किस्मत अच्छी है, उनकी बुलेट की किस्मत अच्छी है, जो उनके साथ वैसा सीन हो नहीं पाया। तो ये देखो पानी, देखो आप, इतनी अच्छी जगह है ना, अगर फोटो शूट करना हो ना किसी को, यहाँ पे आना चाहिए। ये देखो पीछे व्यू जबरदस्त है, जबरदस्त है। तो अभी मुझे लग रही है भूख, तो लगभग 6:30 पे हम घर से आए थे, तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 AM। तो खुद सोचो, तो मैंने कुछ खाया पिया भी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी खाली पेट आया हूँ, उस वजह से अब मेरे को ना सर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। तो एक दो बाइकों को एग्जॉस्ट लगा है, ऊपर से उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है ना, तो उस वजह से मेरे को सर में दर्द हो रही है। ऊपर से मैं खा के बिल्कुल भी कुछ नहीं आया हूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट टाइम ऑफ रोड पे मेरी बाइक कैसे टूटी थी। तो वो पार्ट मैंने अभी तक दिखाया नहीं किसी को कि कैसे टूटी है कैसे नहीं, तो मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि लास्ट टाइम बुरी हालत हुई थी, इतनी बुरी हालत। तो बाइकें भी बेचारी रो रही होंगी लास्ट टाइम कि अपने साथ क्या हुआ था क्या नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये देख रहे हो ये वाला पार्ट इधर से क्रैक हो गया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा हुआ है। जितना भी हुआ तो है भाई, दुख तो है मुझे इस चीज़ का। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको ना, तो नया नहीं डलवाऊँगा, क्योंकि नया अगर डलवाना पड़ा ना, ये पूरा चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी को किसी चीज़ से ना ठीक कर दें, अगर ये ऐसे ही रहा ना तो ये टूटता टूटता ज़्यादा टूट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टूटे। बस एक ही ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बाइक को ना पत्थर नहीं नीचे लगना चाहिए, देख रहे हो ये ऐसा रास्ता है, देख रहे हो। ओ भाई, तो पीछे का व्यू कुछ ऐसा था, करते हैं इसको क्रॉस पर ध्यान से, पहले इनको करने देते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने बीच में ब्रेक लगा दी ना तो पीछे खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, पीछे वाला उससे पहले जाएगा। ये देखो इधर पानी थोड़ा सा ज्यादा है। वापिस पहुंच गया हम उसी लोकेशन पे जहाँ पे आपने मेरा एक लास्ट व्लॉग देखा होगा, जम्मू के हॉन्टेड टनल्स। तो ये काफी ज्यादा जबरदस्त लोकेशन है भाई लोग, तो यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करना जो अपने बाइकर हैं और भी काफी सारे। तो ये रहे अपने वाले, तो फिलहाल जम्मू के हंटेड टनल से, तो यहाँ का एक प्रॉपर व्लॉग मैंने बनाया हुआ है पहले का, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं। तो वहाँ से निकले हैं, अब निकलेंगे वापसी, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया, सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आए, उस वजह से बुरी हालत हो रही है, सर में दर्द हो रही है। तो फिलहाल अभी निकलेंगे यहाँ से। Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go?